अस्सलाम वालेकुम, शिराज ने व्लॉग छोड़ दिए और मुझे बहुत अफसोस है ना, दिल से अफसोस है। मैंने इसके फादर को बहुत लिखा, मैसेजेस किए कि प्लीज़ इस बच्चे को ना माहौल के ऊपर, पानी के ऊपर, दरख्तों के ऊपर इस तरफ लगाएं, इसके लाखों करोड़ों इसके व्यूज़ आते हैं, इसके फॉलोअर्स हैं। तो मुझे ना समझ नहीं आती, वो डकी भाई से जाके, शहबाज शरीफ से मिला के, फेम ले के अमेरिका जाके, तो फिर उसको ना पीछे बैकआउट कर दिया इस रीज़न की, मुझे कोई मंतक समझ नहीं आती। इतनी अच्छी ये टीम बननी थी, ये कम्युनिटी बननी थी, सारी रिसर्च मैंने करके देनी थी इस बच्चे को। जिस तरह मुझे भी लोग रिसर्च भेजते हैं, चीज़ें भेजते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा शिराज के फादर से कि प्लीज़ इस बच्चे को लगाएं माहौल के ऊपर, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। ये फ्यूचर का एक एम्बेसडर बन सकता है, फ्यूचर के लिए आप सोचें, आप बाकी बच्चों के लिए सोचें। उसने जो फेम ली है, अल्लाह ने उसको एक इज्जत दी है, फेम दी है, तो उसको किसी पॉजिटिव वे के अंदर लगाएं। ये देखें जो हालात हो रहे हैं हमारे, जो माहौल के तबाही है, माहौलियाती तब्दीली से तबाही, कोई भी नहीं बचना, तो क्यों इस तरफ उसको नहीं लेके आते। मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग मुझे कहेंगे कि जी आप पता नहीं जेलस होके उसके लिए, मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है उस बच्चे के लिए। तो प्लीज़ मैं उसके फादर से फिर कहता हूँ कि उसको ये व्लॉगिंग ना छुड़ाएं, हफ्ते में एक व्लॉग सही, लेकिन उसको आप लेके आएं, माहौल के ऊपर लेके आएं, पानी के ऊपर लेके आएं, तालीम के ऊपर लेके आएं।